हेलो फ्रेंड, आज मैं देखाऊंगा टीवी का और एक फॉल्ट रिपेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले टीवी ऑन करके दिखाऊंगा क्या फॉल्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया और टीवी स्क्रीन में ऊपर में थोड़ा सा रिटेस लाइन प्रॉब्लम आ रहा है, हल्की से दाग आप देख सकते हैं, यह है वो रिटेस लाइन, यही प्रॉब्लम हुआ है टीवी में। और इसी कंडीशन में टीवी में ऑडियो वीडियो इन करूँगा तो पिक्चर में भी ऐसा रिटेस लाइन आएगा। तो यहाँ पर पिक्चर में भी रिटेस लाइन प्रॉब्लम आ रहा है। तो टीवी में ऐसा प्रॉब्लम होने से कैसे ठीक करना होगा, चलिए देखते हैं। तो पहले आपको ये जानना होगा ये फॉल्ट कहाँ से होता है और कौन सेक्शन का है। तो फ्रेंड ऐसा प्रॉब्लम होता है वर्टिकल सेक्शन से, ये वर्टिकल सेक्शन का ही फॉल्ट है। तो फ्रेंड ये जो प्रॉब्लम हुआ है ये वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। तो फिर भी मैं चेक करके दिखाऊंगा वर्टिकल सेक्शन का सप्लाई वोल्टेज ठीक है क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सप्लाई वोल्टेज चेक करके। ये है वर्टिकल सेक्शन और ये है वर्टिकल सेक्शन का आईसी। अब मैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज चेक करूँगा और दिखाऊँगा क्या यहाँ का सप्लाई वोल्टेज ठीक है क्या नहीं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ का सप्लाई वोल्टेज 28.9 वोल्टेज का आसपास वो ठीक है और एक सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्टेज रहते हैं यहाँ पर वो भी ठीक है। तो यहाँ का सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड आप देखा यहाँ का सप्लाई वोल्टेज बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है इस यहाँ का मेन आईसी और कैपेसिटर खराब होने से। तो फ्रेंड ये जो प्रॉब्लम हुआ है ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है वर्टिकल सेक्शन का कैपेसिटर और वर्टिकल आईसी खराब होने से। तो फ्रेंड वर्टिकल सेक्शन का एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कमजोरी वीक प्रॉब्लम, वर्टिकल आईसी और कैपेसिटर कमजोरी होने से ऐसा प्रॉब्लम होता है जो वीक प्रॉब्लम है। ये है जो कैपेसिटर, यही कैपेसिटर खराब होने से ज़्यादातर ऐसा होता है। हंड्रेड UF 35 वोल्ट कैपेसिटर और इसको चेंज करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो हमें वर्टिकल आईसी चेंज करना होगा।
ये जो कैपेसिटर 100 UF 35 वोल्टेज का है, तो फ्रेंड एक बात जरूर याद रखे, क्योंकि कैपेसिटर का वैल्यू एक सेम एक जैसा होना चाहिए, नहीं हो तो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ठीक से देखकर सोच समझ कर ही कैपेसिटर आपको लगाना होगा। यहाँ पर कैपेसिटर का वैल्यू 100 UF सेम एक जैसे ही रखना होगा, और यहाँ पर 63 वोल्ट और 35 वोल्ट कोई भी एक लगा सकते हैं। अब मेरा पास 100 UF 63 वोल्टेज का कैपेसिटर है, इसको हम लगा सकते हैं। तो चलिए टीवी ऑन करके देख लेते हैं एक बार फिर से, क्या टीवी ठीक हुआ क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं टीवी ऑन हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया, इसका रिटेस्ट लाइन प्रॉब्लम चला गया और अभी नहीं है। और इसमें ये भी इन करके देख लेते हैं पिक्चर, तो आप देख सकते हैं पिक्चर भी ओके हो गया। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।